हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो मुझे एक स्टूडेंट ने भेजी थी। उनका नाम शायद आलिफा है, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ना? तो देखिए, क्वेश्चन क्या था। फाइंड द डोमिनेंट रेंज ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 - sin x। तो यहाँ पर देखिए, साइन एक्स रेंज, जब डोमेन निकालेंगे, है ना, डोमेन निकालने के लिए हमें एक्स की यहाँ पर वैल्यू देखनी होती है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम ले सकते हैं, और रेंज देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है ना। तो डोमेन देखेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हम सभी वैल्यू ले सकते हैं, -∞ से +∞। बाकी यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 1 हो जाए तो एफ ऑफ एक्स तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि साइन पाई बाई टू इक्वल्स टू 1 होता है, तो पाई बाई टू प्लस 2 के पाई सभी यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी -π/2 +2 के पाई, ठीक है ना। और रेंज हो जाएगा क्या, साइन एक्स। साइन एक्स देखिए, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक, है ना। तो अगर -1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब हाफ, और फिर 1 पुट करेंगे तो 1/0, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रेंज, ये डोमेन और ये रेंज, ठीक है ना। आई होप आप लोग ये समझ गए हैं, है ना। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो BMTC 131 है, December 2021 का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 4 का सी नहीं हुआ था, तो वो तो अभी भी नहीं हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा अगर ये यहाँ पर होता तो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, मतलब एक कर्व आ रहा है, पर यहाँ पर एक्स माइनस 2 नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप लोगों में से किसी का हो गया हो तो बता दीजिएगा कि हो गया है और किस तरीके से किया है वो। मतलब यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो ये आ रहा है, कर लीजिएगा, मतलब जब आप लोग करने के लिए कोशिश करेंगे तो टेंजेंट निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। टेंजेंट अगर निकल भी गया तो यहाँ पर एक हो जाएगा जो कॉन्जुगेट आता है इस तरीके से, तो वहाँ पर 2 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर तो एक्स इक्वल्स टू अगर 2 पुट कर देंगे तो मतलब वाई इक्वल्स टू क्या हो रहा है, एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 2 हम नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि वाई की वैल्यू तब नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा होता तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो आप लोग बताइए कि क्वेश्चन सही है या नहीं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर एक्स प्लस 2 होता है, यहाँ पर एक्स माइनस 2। तो आप लोगों का अगर आंसर हो गया है तो बता दीजिएगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन था ये 4 का C, तो 4 का C भी नहीं हुआ है। आप लोग इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स टेंस टू 0, मतलब ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स टेंस टू 0 मतलब इस तरीके से अगर मान लीजिएगा ये आ रहा है आपका जो एसिम्प्टोट, ये आ रहा है एसिम्प्टोट, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एक्स टेंस टू 0 है तो 0 पुट करें तो 1 + sin हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो वाई वाई इक्वल्स टू 1। मैं नहीं कह रही हूँ कि यही आंसर होगा, मुझे लगता है ऐसा, ये सही है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ है। आप लोग बता दीजिएगा कि 7 का आंसर हुआ है या नहीं। और एक क्वेश्चन था इनका, ये क्वेश्चन भी हो गया। मुझे लगता है आप लोग BMTC 131 के लिए प्रिपेयर्ड है, और आज शाम को ही मतलब शायद आ जाएगा हॉल टिकट, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सुबह से जो इग्नू का साइट है वो काम नहीं कर रहा है। शायद आप लोगों का के साथ भी ऐसा हो रहा है कि खुल नहीं रहा है वो साइट, तो और मुझे लगता है कि शाम तक हॉल टिकट आ जाना चाहिए। और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, और तो ऑल द बेस्ट। और मतलब पहले जो आता है वो पहले कर लीजिएगा, और उसके बाद
जो नहीं आता है, मतलब फर्स्ट दिया होगा 12th का, तो वो आप लोग लास्ट में भी कर सकते हैं। जो जो क्वेश्चन आता है वो पहले देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन पहले कर लीजिएगा, तो टीचर का ये माइंड सेट हो जाएगा कि ये स्टूडेंट ने जितने क्वेश्चन किए हैं वो सही किए हैं, है ना। और उसके बाद मतलब हैंड राइटिंग सही रखी है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं जब कॉपी चेक करती हूँ मुझे भी ऐसा लगता है जिन्होंने अच्छे तरीके से लिखे हैं तो उनका आंसर सही होगा। मतलब ऐसा एक माइंड सेट होता है टीचर्स का, मतलब वो लिखा देखकर मतलब सुकून मिलता है कि हाँ अच्छे से लिखा हुआ है, पढ़ा जा रहा है। और जो अच्छे से नहीं लिखता है, क्या लिखा है, मतलब उनका कॉपी चेक करना का ही मूड नहीं रहता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि मतलब थोड़ा सा तो अच्छा हो आपका हैंड राइटिंग। और यही सब याद रखिए, हॉल टिकट और एडमिट हॉल टिकट और जो आपका आईडी कार्ड है वो दोनों लेकर जाइए एग्जाम हॉल में। और दोनों ही चाहिए एग्जाम देने के लिए, आईडी कार्ड नहीं लेके जाएंगे तो एग्जाम में नहीं अलाउ किया जाएगा, ये इग्नू का रूल है, शायद आप लोगों को पता है ना। तो तभी मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि ये ले जाना है। और 3 घंटा है तो पानी का बोतल भी ले जाइए, और 2 दिन बचे हैं, 2 दिनों में MT1 का और असाइनमेंट का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा। मुझे लगता है कि जितना हो सके मैंने आप लोगों की मदद करने की कोशिश की, थोड़ी सी भी मदद मिला हो आप लोगों को तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है टॉपिक। और वो भी एग्जाम में आप लोग उसका आंसर कर पाए। और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।